हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ डीएनए। सो मैंने डीएनए ऑलरेडी बताया है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। सो ये जेनेटिक मटेरियल भी, अब जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं? जो जेनेटिक मटेरियल होता है, एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन इंफॉर्मेशन पास करता है। सो जो इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन जाती है, वो डीएनए की मदद से ही जाती है, जेनेटिक मटेरियल की मदद से ही जाती है। ठीक है, सो हमने बेसिक सारी चीज़ें पढ़ ली थी कि डीएनए का एलिमेंटल कंपोजिशन क्या होता है। एलिमेंटल कंपोजिशन मतलब कैसे डीएनए बना है। तो हमने बोला था कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, सिंगल यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। अब जो एक न्यूक्लियोटाइड है उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, पहला था फॉस्फेट ग्रुप, फिर था शुगर बैकबोन, या फिर शुगर आप कह सकते हो, दैट इज राइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर, पेंटोज शुगर होती है ये, एंड इसके बाद हमने लिखे थे बेस पेयर्स। सो ये सारी चीज़ें मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं, एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से ऐड होते चले जाते हैं, एंड देन फिर डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। तो डीएनए ऐसी दिखती है। ठीक है, हम हमेशा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं डीएनए का, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन की जो चेन है वो इस साइड से आएगी, दूसरी इस साइड से आएगी, यानी एक दूसरे में इस तरीके से कॉइल्ड होते हैं, एंड इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन्स को, जो आपके बेस पेयर्स है उनको ज्वाइन करके रखते हैं। तो ये ट्विस्टेड लैडर जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है। ठीक है, कभी आपने लैडर देखी होगी, वुडन लैडर देखी होगी, मेटल की लैडर देखी होगी, जब हम उसे ट्विस्ट कर देंगे तो फिर आपको डीएनए जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो डीएनए को इसी वजह से हम ट्विस्टेड लैडर कहते हैं, एंड मैंने ये भी बताया था कि एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, 5' एंड 3' एंड एक दूसरे के सामने होते हैं। 5' एंड पे फॉस्फेट, फॉस्फेट होता है, एंड यहाँ पे होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, सेम ऐसे ही 3-5' जो नीचे की साइड में, वहां से भी ऐसे ही आपको एंड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीजें हमने कवर कर ली थी। आज हम सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉइंट्स पे सारा का सारा जितना भी स्ट्रक्चरल फीचर है, जितने भी स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू डीएनए, तो आज हम जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है डीएनए से रिलेटेड समराइज कर लेंगे कुछ पॉइंट्स में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। ओके, सो जो डीएनए है कुछ पॉइंट्स में, जैसे कि मैंने बोला, आप हमेशा पॉइंट्स बना के पढ़ोगे तो वो आपको हमेशा बेनिफिट देगा, क्योंकि ऐसे में आप इजी वे में याद रख पाएंगे। जब आप अपने पेपर में इस तरीके से लिखेंगे तो जो टीचर है उसे भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी कि वो समझ पाए कि आपने लिखा क्या है एग्जैक्टली। इसलिए ही सभी टीचर्स बच्चों को कहते हैं कि पॉइंट्स में लिखो, पैराग्राफ चेंज कर करके लिखो। सो सेम सजेशन मैं भी आप सभी को दूंगी, इसी वजह से आज हमने पॉइंटर्स बनाए हुए हैं, इन पॉइंट्स के थ्रू ही हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ओके, सो डीएनए है, डीएनए एग्जिस्ट एज अ डबल हेलिक्स इन विच द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर कॉइल्ड अबाउट वन अनदर इन अ स्पाइरल विद द डायमीटर ऑफ 20 अंगस्ट्रॉन्ग। सो ये जो स्पाइरल है, ठीक है, ये आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, अभी एक दूसरे में कॉइल्ड होती है ना। सो ये देखो, ये कॉइल यहाँ पे 3-5' है, और ये जो आपको कलरफुल बाइंडिंग दिख रही है, जो कलरफुल दिख रहे हैं, कलरफुल मार्क्स दिख रहे हैं, ये क्या है? ये आपकी एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन है। तो ये इंपॉर्टेंट प्यूरेंस एंड पायरोमिडीन्स डीएनए में होते हैं। ए जी टी सी, ए हमेशा टी के साथ पेयर करता है, जी हमेशा सी के साथ पेयर करता है, ये हमेशा हमें याद रखना है। ठीक है, ए टी के साथ, जी सी के साथ, जी सी के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, ए टी के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। ठीक है, सो जो डीएनए है वो ट्विस्टेड लैडर जैसा स्ट्रक्चर होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, मैंने बताया था पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है, सिंगल यूनिट है, ये एक दूसरे से जुड़ के आपकी डीएनए की बैकबोन बनाते हैं, ये आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। एंड ये जो आपके बेस पेयर्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं आपकी इसी बैकबोन में, बट ये जुड़े हुए होते हैं दूसरे स्ट्रैंड के बेस पेयर से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो इसी वजह से आपको ये ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है इस तरीके के, ठीक है, जैसा लैडर में होता है। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थायमिन वॉज ऑलवेज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडिनिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, जो थायमिन का कॉन्सेंट्रेशन है, अभी मैंने क्या बोला था, ए हमेशा टी के साथ पेयर करेगा, मतलब एडिनिन थायमिन के साथ विद द टू बॉन्ड्स, विद द हेल्प ऑफ टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये जुड़े हुए होते हैं। चाहे कोई भी डीएनए हो, ए के साथ टी ही आपको पेयरिंग में देखने को मिलेगा, सी के साथ जी, ठीक है। तो ये ऑब्वियस है कि थाइमिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एडिनिन के इक्वल होगा,
है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बाइंड कर रहे हैं. एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोसिन वॉज ऑलवेज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गुआनिन. ऑब्वियसली करेक्ट, ए जितना है उतना ही टी होगा और वो एक दूसरे से बाइंड करेंगे, जितना जी है उतना ही सी होगा और वो एक दूसरे से बाइंड करेंगे. कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये आपको कॉन्सेंट्रेशन बता देंगे कि इतनी इतनी थाइमिन है, इतनी इतनी गुआनिन है, फिर अब आप कैलकुलेट करो कि कितनी साइटोसिन एंड एडिनिन होगी. इस तरीके की क्वेश्चन आ सकते हैं. तो इस स्ट्रक्चर पे हम बाद में आएंगे. अच्छा चलो लेट्स जस्ट कंप्लीट दिस. सो ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है. हम यूजुअली ट्विस्टेड लैडर स्ट्रक्चर देखते हैं, बट अब जैसे नॉर्मल मॉलिक्यूलर बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे देखो दिस इज एच ओ, ये फॉस्फोडाइस्टर चेन है, ए सी एन एन बेस एंड फॉस्फेट है. तो जो येलो कलर सारी चीजें दिख रही है, जो येलो कलर में दिख रहा है, दिस इज फॉस्फेट. फॉस्फेट और जो आपकी कार्बन चेन है, जो शुगर की कार्बन है, वो एक दूसरे से एम्बेडेड, सारी चीजें एम्बेडेड हैं. हमने लास्ट डीएनए के स्ट्रक्चर में देखा था ना कि किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, कि यहाँ पे लेट्स से शुगर है, यहाँ पे फॉस्फेट है, यहाँ पे एडिनिन थायमिन गुआनिन, एंड देन यहाँ से फिर से दूसरी आपको देखने को मिलेगी, दूसरी चेन आपको देखने, दूसरी न्यूक्लियोटाइड आपको देखने को मिलेगी. सो दिस येलो स्ट्रक्चर इज फॉस्फेट. मैं यहाँ पे पी लिख देती हूँ. दीज ब्लू थिंग्स आर आपके बेस पेयर्स, बीपी, ठीक है, बेस पेयर्स हैं ये आपके, नाइट्रोजनस बेसिस है. तो एक दूसरे को पेयर करके इन्होंने रखा हुआ है. अब यहाँ पे आते हैं माइनर ग्रूव एंड मेजर ग्रूव. सो जो मेजर ग्रूव, जो माइनर ग्रूव है, नाम से ही पता चल रहा है कि कंटेंट क्या है, कम है. यहाँ पे आपके जो डीएनए का जो कंटेंट है वो कम होता है और इसका साइज होता है 20 एंगस्ट्रॉम, 1.2 nm. जो मेजर ग्रूव होता है उसमें आपके न्यूक्लियोटाइड ज्यादा होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेसिस ज्यादा होते हैं, शुगर फॉस्फेट का कंटेंट भी ज्यादा होता है, उसे हम मेजर ग्रुप कहते हैं. इट इज 22 एंगस्ट्रॉम, 2.2 nm. सो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, हम आगे आने लेक्चर में ये भी देखेंगे कि जो डीएनए है वो कैसे बाइंडेड होता है, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, ये सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे. सो दिस इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन, और ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, और ये आपके नाइट्रोजनस बेसिस है. सो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, each polynucleotide chain consists of a sequence of nucleotides which is linked together with phosphodiester bond joining adjacent deoxyribose moieties. ठीक है, so मैंने क्या बोला, जो polynucleotide chain है तो nucleotide plus nucleotide plus nucleotide plus nucleotide, इस तरीके से ये joined रहते हैं. मैं सारा complete नहीं लिख रही हूँ. NNN stands for nucleotide, nucleotide, nucleotide. जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आ गए तो आप उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हो, है ना. मोनोडाई में तो आप समझ जाते हो कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, या डाई तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है. जब बहुत सारे मल्टीपल्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं तब उसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड. जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है कैसे जुड़े हुए होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं. ये जो बॉन्ड्स हैं ये सारे के सारे आप कह सकते हो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है जो एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ेगा. ठीक है, so the two polynucleotide strands are held together in a helical configuration by hydrogen bonding. so ये एक हमारी क्या हो गई, एक ये वाली polynucleotide chain हो गई. दूसरी polynucleotide chain हम दूसरे कलर से बना लेते हैं, ये आपकी दूसरी polynucleotide chain हो गई. so जो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए रहेंगे, polynucleotide chains जो हैं, जो polynucleotide backbones हैं, वो hydrogen bond से इस तरीके से, ये hydrogen bonds है जो कि प्यूरेंस एंड पायरिमिडीन्स में कनेक्शन दिखा रही है. सो इसकी वजह से इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जनरली एग्जिस्ट इन अ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द मॉलिक्यूल लाइक स्पाइरल स्टेयरकेस. सो स्पाइरल स्टेयरकेस, ट्विस्टेड स्टेयरकेस की तरह दिख रहा है, इन इसका जो एक्सिस है ये अपने एक्सिस से परपेंडिकुलर है. सो इसी वजह से हम डीएनए इसी तरीके से ड्रॉ भी करते हैं. क्लियर, नेक्स्ट, the base of the polynucleotide chain pairs with the bases of another polynucleotide chain. yes, है ना. so ये वाली जो polynucleotide chain है, इस वाली polynucleotide का जो base है वो इस वाली polynucleotide chain से जुड़ा हुआ होगा with the help of hydrogen bond. these pairing always consist of one purine and one pyrimidine. मैंने ये भी बोला था, हमेशा purines pyrimidines से connect होंगे, कभी भी purines purines नहीं जुड़ेंगे, pyrimidines pyrimidines नहीं जुड़ेंगे. These pairing always consist of one purine and one pyrimidine. In a strict sense, the base pairing is fixed to their specific bases. मैंने क्या बोला, ये बहुत strict है, एक T के साथ G C के साथ, ये कभी भी इधर उधर नहीं जाएंगे, हमेशा A T के साथ G C के साथ. The form of pairing of bases adenine thymine form 2 hydrogen bonds and guanine cytosine form 3 hydrogen bonds. ये तो हमने देख लिया.
The two polynucleotide strands of the DNA is complementary to each other. अब complementary अगर मैं कहती हूँ तो complementary क्या, let's say ये आपका एक strand है, ठीक है, ये एक DNA का strand है, ये दूसरा DNA का strand है. फाइन, अब यहाँ पे हमको क्या बनाना है, बेसिस. सो अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, टी है, यहाँ पे ए ए टी टी, ठीक है, ये तो मैंने बना दिया. अब ये कौन से वाले स्ट्रैंड पे मैंने बनाया, ब्लैक वाले स्ट्रैंड पे बनाया है, ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रैंड है. सो ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, जिसके हमें पता है ए के साथ दो बॉन्ड से टी ही होगा. अब यहाँ पे टी है तो दो बॉन्ड्स बनेंगे ए के साथ, दो बॉन्ड्स बनेंगे टी के साथ, फिर से दो बॉन्ड्स बनेंगे टी के साथ. यहाँ पे टी है तो ए, यहाँ पे टी है तो ए. लेट्स से अगर यहाँ पे जी है, ठीक है, यहाँ पे भी सी है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, हमें तो ऑलरेडी पता ही है कि सी है तो इसके साथ तीन बेस पेयर्स बनेंगे जी, एंड जी है तो तीन बॉन्ड्स बनेंगे सी के साथ. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री, अगर आपको एक स्ट्रैंड के भी जो नाइट्रोजन बेसिस है उनकी इंफॉर्मेशन है तो आप दूसरे स्ट्रैंड में ऑटोमेटिकली वो फिल कर सकते हो और वो एक्यूरेट भी होगा. दैट्स वाई दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है. एक भी साइड की इंफॉर्मेशन अगर आपको है तो आप दूसरी साइड की इंफॉर्मेशन आप अपने आप ही ऑब्वियसली क्रिएट कर सकते हो. द बेस पेयर्स ऑफ डीएनए आर स्टैक्ड 3.4 एंगस्ट्रॉम अपार्ट फ्रॉम दी 10 बेस पेयर्स पर टर्न. सो हर एक टर्न पे जो इनके जो बेस पेयर्स होते हैं वो कैसे स्टैक्ड होते हैं, 3.4 एंगस्ट्रॉम के अरेंजमेंट में स्टैक्ड रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए होते हैं. The sugar phosphate backbone of the two polynucleotide chain of DNA have opposite chemical polarity. Opposite chemical polarity क्यों, इसी वजह से ये anti-parallel होते हैं. So अगर ये 3:5 है तो ये 5:3 होगा. मैंने एक दूसरे को coil नहीं किया है अभी, but ये इस तरीके के arrangement में ही रहने वाले, because they are anti-parallel, ठीक है. So ये जो है sugar phosphate backbone है, क्योंकि इसमें sugar भी है, फॉस्फेट भी है, एंड बेसिस भी एम्बेडेड है जो कि इधर वाले बेसिस से कनेक्टेड होने वाले हैं. सो आप शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहते हो और इनकी जो पोलैरिटी होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, ठीक है. अपोजिट मतलब 3-5-5-3 इस तरीके से, इसी वजह से ये एंटी पैरेलल होते हैं, इसी वजह से ट्विस्टेड स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलता है. The stability of DNA double helix is due to the large number of hydrogen bond. अब ये stable कैसे है? It is because of the hydrogen bond between the base pairs due to hydrophobic bonding or stacked forces between the stacked base pairs. So सबसे important चीज़ क्या है? Hydrogen bonding की वजह से इनका structure stable है, and इसके साथ ही साथ ही एक दूसरे से bind कैसे हो रहे हैं? Bonding कैसे हो रही है? Hydrophobic bonding हो रही है. Hydrophobic मतलब hydrogen से phobia. They do not like that. सो जो दूसरे एंड होते हैं वो नेक्स्ट टू द नेक्स्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड कनेक्ट करते चले जाते हैं, यानी हमारी चेन बन जाती है. द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल चेंजेस एज अ फंक्शन ऑफ देयर एनवायरनमेंट. अब जो डीएनए है, जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, वो चेंज हो जाता है एज डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट. एंड इन द अदर वर्ड्स, डीएनए मॉलिक्यूल एग्जिबिट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कन्फर्मेशनल फ्लेक्सिबिलिटी. तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है डीएनए में, सो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाते हैं. अब जो डीएनए है ये तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट होते हैं. ये आपके सिलेबस में नहीं है बट स्टिल आई एम एडिंग इट बिकॉज ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है ना, आपको पता भी होना चाहिए. सो तीन तरीके के फॉर्म होते हैं, ए फॉर्म ऑफ डीएनए, बी फॉर्म ऑफ डीएनए एंड जेड फॉर्म ऑफ डीएनए. सो जो ए फॉर्म ऑफ डीएनए है, इट हैव 11 न्यूक्लियोटाइड्स पेयर पर टर्न. हर एक टर्न में 11 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है. और ये राइट हैंडेड होता है, ठीक है, राइट हैंडेड. इसका हेलिक्स राइट हैंडेड होता है. B form DNA क्या होता है? It has 10 nucleotides per turn. This form generally occurs in vivo. ठीक है? Watson and Crick DNA model is the form of B form, which is right-handed helix. ये भी right-handedly twisted होता है, right-handed helix होता है. इसी B form of DNA को हम हमेशा पढ़ते हैं. Z form of DNA is the left-handed double helical form. So ये कैसे twisted होते हैं? Left-handedly twisted होते हैं. ठीक है? ये तीन forms of DNA हमने clear कर लिए. The exact information of DNA molecule or a segment of DNA molecule will depend on the nature of molecule with which it is interacting. So, जो DNA हमारा है वो किस molecule के साथ interact कर रहा है उस पर depend करता है कि exact conformation क्या होने वाली है DNA की. So, this structural variation in the DNA molecule play a really very important role in living organism.
सो इसी वजह से जो डीएनए का स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन है जो मॉडिफाई भी हो रहा है, जो चेंज भी हो रहा है डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इट्स इंटरैक्टिंग विथ, सो इसकी वजह से ही बहुत इम्पॉर्टेंट चेंजेस आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं। तो हमने इन कुछ पॉइंट्स से सारा डीएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं वो कवर कर लिया है। आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो अगर आपको ऐसे ही और हेल्पफुल लेक्चर्स देखने हैं तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है।